मानव के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान का जो महत्व है, वही महत्व स्वच्छता का भी है। गांधी जी ने स्वच्छता के महत्व को समझा। 1915 में जब गांधी जी ने स्वदेश वापसी की और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर वर्ष भर भारत भ्रमण किया तो सार्वजनिक प्रश्नों पर मौन रखा। एक वर्ष बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर अपना पहला सार्वजनिक भाषण 4 फरवरी 1916 को दिया। इस भाषण में उन्होंने स्वच्छता का प्रश्न खड़ा किया और इसे स्वराज के साथ जोड़ा। गांव और शहर की गलियां ही नहीं, बड़े बड़े मंदिरों के आसपास की बदबूदार गंदी गलियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वराज की दिशा में बढ़ने के लिए हमें बिना शक ये सारी बातें सुधारनी होंगी। गांधी जी ने स्वच्छता के संदर्भ में भारत के लोगों की मानसिकता अर्थात व्यक्तिगत व सामाजिक स्वच्छता के भेद को समझा और कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में भारत दुनिया में संभवतः सबसे आगे है, लेकिन सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी की दृष्टि में जितनी जरूरी व्यक्तिगत स्वच्छता है, उतनी ही सामूहिक स्तर पर होने वाली सार्वजनिक जगहों की स्वच्छता भी है। गांधी जी के स्वच्छता संबंधी विचारों की विशेषता यह भी है कि इसे लागू करने के लिए बाहर से आए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ गंदगी है, वहीं के लोग इसे स्वच्छ बनाएंगे। गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उनकी 145वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन पूज्य बापू का, क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का उद्देश्य रखा है, जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती होगी। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे साफ व स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? मुझे बताइए, ये सवाल हमें हर हिंदुस्तानी अपने आप को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब कुछ दे पाएंगे क्या? और इसलिए 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो, तब पूरा भारत ये संकल्प करे, हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? स्वच्छ भारत अभियान निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसे जनता का पूरा समर्थन व सहयोग मिल रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री भी विभिन्न मंचों व माध्यमों से स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों की ओर लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 साल पहले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। अब 2 अक्टूबर को जब 2 वर्ष हो रहे हैं, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में
स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और मैंने कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर, और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। इन प्रयासों से भारत में स्वच्छता परिदृश्य में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत के 220,104 गांव, 160 जिले और 5 राज्य खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इन राज्यों में शामिल हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। स्वच्छता व्याप्ति अक्टूबर 2016 के 39% से बढ़कर अगस्त 2017 में 66% हो गई है। एक बार फिर स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान को स्वच्छता ही सेवा नाम दिया है। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन करने वाले पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में योगदान के लिए लोगों को तैयार करना और स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को सुदृढ़ करना है। 3 वर्ष पूर्व जब स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया था, 2 अक्टूबर को उसको 3 साल हो जाएंगे और उसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। शौचालयों की कवरेज 39% से करीब करीब 67% पहुंची है। 230,000 से भी ज्यादा गांव खुले में शौच से अपने आप को मुक्त घोषित कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से एक आह्वान करता हूं कि एक बार फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा, जैसे पहले कहते थे जन सेवा यही प्रभु सेवा, स्वच्छता ही सेवा की एक मुहिम चलाएं, पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहौल बनाएं। जैसा अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, हम अवसर ढूंढें, लेकिन हम सभी जुड़े। स्वच्छता के इस अभियान में हरियाणा में दूरदर्शन व आकाशवाणी भी निरंतर योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने स्वच्छता से संबंधित अनेक कार्यक्रम और रिपोर्ट बनाए हैं। कृषि अवशेष से वर्मी कंपोस्ट पर टॉक कार्यक्रम, जल संग्रहण पर फोन इन कार्यक्रम इनमें प्रमुख हैं। इस अभियान में आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और जब भी पखवाड़ा होता है या कोई पखवाड़ा नहीं होता तो भी हम अपने श्रोताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम में वो प्रसारित करते रहते हैं। श्रोता वर्ग हैं उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं उसमें हम स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस तरह के विषय रखते हैं। हमारे जो महिलाएं हैं वो स्वच्छता किस प्रकार से रखें, युवाओं को भी हम प्रेरित करते हैं, उन्हें भी हम जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं उसमें तो हम जानकारी प्रसारित करते ही रहते हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने खुले में शौच मुक्त अनेक गांव की सफल कहानियों पर रिपोर्ट भी तैयार की है। अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम प्रसारित किए गए। प्रोग्राम जो आसपास के जिले के गांव हैं जहां पे 100% ओपन डिफेकेशन है, उसको फ्री करने के लिए जिन गांवों का योगदान रहा है उनके सक्सेस स्टोरीज प्रसारित की गई, वहाँ की उनकी अचीवमेंट्स इनमें दर्शाई गई, ताकि और भी गांव उनको देख के उनसे सीख लें। और इसके बारे में जो इंटरव्यूज़ हैं पर्सनैलिटीज़ की, जिनकी अचीवमेंट्स रही हैं, वो प्रसारित की गई हैं। आकाशवाणी हिसार ने कार्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया। साथियों, जो स्वच्छता अभियान में जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा और इस सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अभियान आज से नहीं है, ये अभियान 4 फरवरी 1916 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इलाहाबाद से शुरू किया था और संपूर्ण आज़ादी और संपूर्ण स्वच्छता
अभियान के इसके रूप में इसको चलाया गया था। और इसी अभियान को जारी करते हुए हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। हम 15 से ही, जैसे भी हमारा को लेटर मिला है, हम इस अभियान में जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन हमने जो पूरा अपने जो अपने बाउंड्री के अंदर में जो भी घास या अवांछित जो पेड़ पौधे हैं लगे हुए थे उसको हमने अच्छी तरह सफाई की है और काटा है। आकाशवाणी हिसार द्वारा अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता से संबंधित कंपेयरिंग को शामिल कर किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मन की गंदगी तन की गंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दूसरे किस्म की गंदगी पहले किस्म का ही संकेत है। महात्मा गांधी का यह उद्धरण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए स्वच्छता के महत्व को सही अर्थों में रेखांकित करता है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले साफ सफाई के महत्व को महसूस किया, यह साबित करने के लिए कि स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश के बिना हम राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने सफाई का कार्य स्वयं किया, यही नहीं उन्होंने स्वच्छता को आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंचाया और स्वच्छता को दिव्यता के समकक्ष घोषित किया। दूरदर्शन हिसार ने स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का निर्माण किया है। स्वच्छता अभियान एक गांव की कहानी, स्वच्छता अभियान जनता क्या कहती है, स्वच्छता ही सेवा एक नया कदम जैसे कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वच्छता पखवाड़े में कार्यालय के साफ सफाई में अधिकारी व कर्मचारी अपना योगदान देते हैं। भविष्य में भी स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के निर्माण की कई योजनाएं हैं। इन समग्र प्रयासों के फलस्वरूप ही हरियाणा खुले में शौच से मुक्त 5वां राज्य घोषित किया जा चुका है। हरियाणा को खुले में शौच मुक्त घोषित कराने और इस बदलाव को लाने में संपूर्ण हरियाणा की जनता का योगदान है। हरियाणा में इस तरह के बदलाव लाने वालों में करनाल की नीलम का नाम भी आता है। राष्ट्रीय स्वच्छता का यह अभियान भारत में एक जन क्रांति का रूप ले रहा है। आइए स्वच्छता शपथ लेकर हम भी इस जन क्रांति का भाग बनें।